हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा पहला ब्लॉग जिसका नाम है AM ब्लॉग्स। तो ये मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं ऐसी जगह जो आपने शायद ही कथाओं में सुनी होंगी या फिर सोची भी होंगी या फिर आपने महाभारत में देखी होगी, जिसका नाम है हस्तिनापुर। ये एक प्राचीन नगरी है जो कि इंडिया में स्थित है, ठीक है, और जो मेरठ के पास में, मेरठ से मैक्सिमम 30 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। तो आप यहाँ पे बाय रोड, बाय बस कैसे भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो शायद ही ये लोग बहुत कम जानते हैं कि हस्तिनापुर में कौन रहता था, क्या रहता था, या फिर वहाँ पे अभी भी उनके पुराने महल हैं या नहीं हैं। तो वही चीज़ें आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब पे और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हस्तिनापुर। गाइज हम लोग पहुंच गए हैं हस्तिनापुर, देख सकते हैं आप कितनी सुंदर जगह है ये। शायद आप देख पा रहे होंगे पूरा नज़ारा। ये देखिए सुमेरु पर्वत, कहते हैं दुनिया में सात ही हैं जो कि एक हस्तिनापुर में स्थित है। काफ़ी सुंदर जगह है ये देखिए, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। त्रिकुट शिव मंदिर, वैष्णव वक्षर पर्वत देख सकते हैं, सुमेरु पर्वत, ये सब नदी हैं। जाने का रास्ता देख सकते हैं आप, काफी पुराना लग रहा है। देख सकते हैं ओ। ये इसकी फर्स्ट मंजिल है और आप देख सकते हैं पहले मंजिल से क्या नजारा है। ये देखिए इतना सुंदर है, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है। ये देखिए हम अभी नाव की राइड भी लेंगे, जो आप देख सकते हो सामने में रखी है नाव, पर नाव रखी है तो हम नाव में भी जाएंगे इसके बाद। एक मंच ऊपर चलते हैं, देखिए।
चलो चलो इधर। सीढ़ी बहुत अनकंफर्टेबल बनाई है ना, ऐसा लगता है जैसे गिर जाएंगे अभी सीढ़ी। अभी हम लोग नीचे आ गए तो हम जाने वाले हैं अभी नाव में, जो कि नौका विहार है। नौका विहार में जाएंगे हम लोग राइड करने के लिए। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, सारे मंकीज रहते हैं। सी सबसे ब्यूटीफुल मंकी देख रहा है मेरी तरफ, काटेगा नहीं ना। लवण समुद्र जम्मू द्वीप हस्तिनापुर, ये देखिए काफी सुंदर इसको बनाया गया है। नीचे कारपेट बिछाया है अच्छा सा। मैं पहुंचने वाला हूं अभी हमारे नौका पॉइंट पे, जहाँ से हमें नाव लेनी है। चलते हैं नाव किधर, किधर से ये हमारी नाव है। मैं आगे बैठेगा सबसे, बिना टिकट के नहीं बैठेंगे हम यहाँ पे। कितना सुंदर है ना पानी, साफ सुथरा है। अभी हमारी नाव चल पड़ी। वाओ, असली राइड के मजे तो यही है ना। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग काफ़ी जगह घूम चुके हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट कहाँ जाए कहाँ पे नहीं जाए, क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी है, यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं। देख सकते हैं पीछे, चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग तीन लोग में, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सामने तीन लोग, इसमें दिखाया गया है ना कहाँ पे किस लोक पे क्या होता है। तीन लोग की रचना की हुई है, इसमें दिखाया जाता है कि हमारे जो तीनों लोग हैं, ब्रह्म लोग जो भी लोग हैं, उसमें अंदर क्या क्या होता है। बाकी इसके अलावा उधर यहाँ पे ध्यान मंदिर भी है सामने में, यहाँ पे हमें ध्यान लगाना होता है मंदिर के अंदर। वहाँ पे कुछ कुछ बोलता नहीं है, सूचना दिखा है यहाँ पे। तीन लोग रचना दर्शन के लिए खुला है, खुलने का समय कहते 8 बजे से शाम टाइम को ही काट दिया 1 बजे तक। चलिए चलते हैं अंदर, यहाँ पे भी टिकट की सुविधा उपलब्ध है। कितने का अंकल टिकट? तो ये कूपन मिलता है यहाँ पे, जो कि 20 रुपये का है। ये देखिए कूपन नंबर दान कूपन जम्मू द्वीप हस्तिनापुर 20 रुपये, यहाँ पे ये मिलता है आपको इजीली। कितने फ्लोर हैं इसमें? 5 फ्लोर। ओके, एक फ्लोर से हमें ऊपर जाना पड़ेगा पैदल। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज हम लोग अभी लिफ्ट के अंदर हैं, हम लोग जा रहे हैं ऊपर 3rd फ्लोर से, हमें 1 फ्लोर पैदल जाना पड़ेगा। ये हमारे भैया थे जो सामने खड़े हुए, 5वां नरक है, किस नरक में क्या क्या होता है। ए देखिए नौ अनितुष 5 नक्षत्र शिला,
की संरचना की हुई है, बड़े सुंदर सुंदर तरीके से बनाया गया है डिजाइन, देख सकते हैं आप। यहाँ से बाहर का नज़ारा भी बहुत सुंदर दिखता है, ये देखिए ये ध्यान मंदिर है सामने में जो दिख रहा है आपको, बहुत सुंदर बनाया है इसको भी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, त्रिभुवन जमींदार सिद्धेश्वर का आदि है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो भी इनके बारे में लिखा है। अभी हम नीचे चलते हैं एक फ्लोर और, जहाँ से हमारे लोग चालू होते हैं। पहला लोक है, इसको बोलते हैं पहला द्रव्य, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, छठा ग्रह, ऊपर तक ये है आरण स्वर्ग। इसमें सब भी कुछ दिखाया गया है। अनंत स्वर्ग, सब देवी देवता बैठे हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, इन लोगों ने बनाया है। चलिए पहला स्वर्ग हो गया, अब दूसरे लोक में चलते हैं। ये मध्य लोक है, उद्रुव लोक, प्रारंभ सुधर्म स्वर्ग, सचिन कुमार स्वर्ग, महेंद्र स्वर्ग। यहाँ पे काफ़ी सारे स्वर्ग को दर्शाया गया है, किस स्वर्ग में क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें तराजू बनाई गई है छोटी छोटी, और गरुड़ पे सवार कर रहे हैं देवी देवता है लोग, देख सकते हैं आप। भाई लोग आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे जो है ये नरक है जो दिखाया गया है, इसमें पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, ये मध्य लोक है जो हमारे पीछे दिखाया गया है, ये हमारा नरक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, ये हमारा मध्य लोक है, अधोलोक, जहाँ पे इनका सबका लिखा जाता है किसने क्या कर्म किए क्या है। ये हमारा पहला नरक है जहाँ पे दोषियों को सजा दी जाती है, ये लोक दिखा रहे हैं हम लोग। ये हमारा दूसरा नरक है, देखिए यहाँ पे राक्षस लोग कैसे बैठे हैं, कैसे लोगों को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये वंश नरक है, वंश में किसने क्या किया क्या नहीं, ये देखिए ये चौथा नरक है, तीसरा नरक, ये जो है चौथा नरक है, इसमें देख सकते हैं आप लोगों को कैसे मारा जाता है, कैसे क्या किया जा रहा है। ये पांचवा नरक है, इसमें भी देख सकते हैं कैसे लोगों को गर्म पानी में तला जाता है, यहाँ पर सब दर्शाया गया है। पांचवा नरक, बाकी नरक और भी है यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पर भी नरक की प्रणाली बनी हुई है, चौथा नरक, तीसरा नरक, पांचवा नरक। गाइस नरक भी पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें से यहाँ पे पांच तरीके के दिखाए गए हैं। तो गाइस ये अष्टपद मंदिर है, श्री अष्टपद तीर्थ, 151 फुट उत्कंज गगनचुंबी मंदिर था ये, जो कि अभी बंद है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी 2 साल से बंद है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है मंदिर को, देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, 151 फीट ऊंचा मंदिर है ये, इसमें जाना था हम लोगों को पर हम नहीं जा पाए। हम लोग इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि ये बंद पड़ा है 2 साल से, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बिल्कुल जाएंगे पक्का। सो गाइज ये प्राचीन मंदिर है पांडवों का, जहाँ पे द्रौपदी पूजा किया करती थी, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ध्यान से।
लिखा है प्राचीन पांडव शिव मंदिर पांडवेश्वर महादेव। तो ये वो मंदिर है जहाँ पे द्रौपदी पूजा करने के लिए आती थी भगवान शिव की। ये ऊपर प्राचीन जयंती माता सिद्धपीठ मंदिर है, इसको पांडव टीला बोलते हैं, जो हस्तिनापुर में काफ़ी फेमस है। ये देखिए ये मंदिर है जहाँ पे द्रौपदी पूजा हुआ करती थी। यहाँ पे ये मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये बरगद का पेड़ है, देखिए कितना बड़ा पेड़ है। यहाँ पे मंकीज बैठे हुए हैं आराम से एंजॉय कर रहे हैं मंकी बैठ के। ये देखिए कितना पुराना पेड़ है। भाई लोगों, प्राचीन मंदिर में तो हमें भी यही मंदिर मिला है, बाकी पीछे टीला है देख सकते हैं। बाकी काफी शांति है यहाँ पे। बाबा डोगी भी यहीं पे रहते हैं। कितने साल पुराना मंदिर है बाबा, कितने साल पुराना है? पांडेश्वर मंदिर है। पांडेश्वर मंदिर लेने पीछे बिछा का गुफा है पीछे। अच्छा, उस मकान के पीछे जहाँ से वो वहाँ पे निकले थे इंद्रप्रस्थ। ये पांडेश्वर महादेव है, यो विदुर टीला है और निंगे एक और आश्रम है निंगे को। अच्छा, पिक्चर को निंगे को। हाँ हाँ, पीछे की तरफ को। हाँ, और वो जो गुफा जी बनाई नहीं थी इन्होंने। हाँ हाँ, जान देते हैं वहाँ। कितना शांति है ना यहाँ पे। काफ़ी सारा घूम लिया है, काफ़ी सारा देख लिया है। बाकी आपको अगर आना है तो आ सकते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है और काफ़ी शांत वातावरण है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी पूरा जंगल जंगल पूरा इतना सुंदर शांत इलाका है पूरा, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई गाड़ियों का कुछ नहीं। सो गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग्स में नेक्स्ट टाइम। बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे मैंने वीडियो बनाया। अच्छा बनाया तो अच्छा बताइए, बुरा बनाया है तो बुरा, जैसा आपको लगता है वैसे बताइए। सो चलिए मिलते हैं, बाय।